अक्टूबर 2023 के कुछ ऐसी अमेजिंग हिंदी वेब सीरीज जिनकी स्टोरी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही अमेजिंग वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है अक्टूबर 2023 में। आप हमारी दशा की चिंता ना कीजिए, हमारे तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना डर छुपा रहा है। नंबर 7, सुल्तान ऑफ दिल्ली। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी ले जाती है आपको 1947, जहां पे दंगे हो जाने की वजह से बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सरवाइव कर जाते हैं। और इस सीरीज में उन्हीं सर्वाइवल स्टोरी को दिखाने की कोशिश की गई है, और ये सभी सर्वाइव करने के बाद क्या बनते हैं अपनी जिंदगी में, ये भी इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। नंबर 6, मेंशन 24। सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी बेटी से जिसके पिता अचानक से ही गायब हो जाते हैं, और पूरी सीरीज में बेटी अपने पिता को ही ढूंढ के निकालना चाहती है। और लास्ट तक बेटी अपने पिता को ढूंढ के निकालने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 5, चार्ली चोपड़ा द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है गुलशन ग्रोवर से, जो कि अपने ही घर में मरे हुए पाए जाते हैं। इसी बीच चार्ली नाम की एक लड़की जो कि किसी भी तरह से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, और लास्ट तक वो इस केस को किस तरह सॉल्व करती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 4, चूना। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अविनाश शुक्ला से, जो कि एक सत्ताधारी नेता है, और वो बहुत सारे लोगों पर अत्याचार भी करता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उसके अत्याचार से सताए हुए रहते हैं, लेकिन वो अविनाश शुक्ला से किसी भी तरह से बदला भी लेना चाहते हैं, और ये सभी मिलकर अविनाश शुक्ला से किस तरह अपना बदला लेते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज में आप देख पाएंगे 6 ऐसे लोग जो कि अविनाश शुक्ला के घर से लगभग 600 करोड़ की चोरी करते हैं, और इस चोरी को वो किस तरह अंजाम देते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 3, मथागम। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे गैंगस्टर से जो कि पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से मारा जा चुका होता है, लेकिन अचानक से ही पुलिस को एक दिन पता चलता है कि वो गैंगस्टर अभी भी जिंदा है, और उसी दिन से पुलिस किसी भी तरह से उस गैंगस्टर को पकड़ना चाहती है, और लास्ट तक पुलिस उस गैंगस्टर तक किस तरह पहुंचती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 2, काला पानी। सीरीज बेस्ड है एडवेंचर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है अंडमान, जहां पर एक वायरस की वजह से बहुत सारी जानें जा रही होती हैं, लेकिन असल में इस वायरस का एंटीडोट क्या है, और ये वायरस कहां से उत्पन्न होता है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज में आप बहुत सारे लोगों को सर्वाइव करते हुए देखने वाले हैं। ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, जो कि एडवेंचर और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। नंबर 1, मुंबई डायरीज सीजन 2। सीरीज बेस्ड है एडवेंचर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है फिर से मुंबई से, जहां पर बरसात के कारण बहुत सारी जानें जा रही होती हैं। इसी बीच कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं जो कि उन जानों को बचाना चाहते हैं, और लास्ट तक डॉक्टर्स कितनी सारी जानें बचाने में कामयाब हो पाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का यह काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के अमेजिंग काउंटडाउन्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।